नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंजशीर पर आगे बढ़ रहे तालिबान को लगा बहुत बड़ा झटका, तालिबान बौखला गया है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि तालिबान की हालत अब क्या हो चुकी है। पंजशीर के लड़ाके तालिबान को तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। अफगानी सेना ने भले ही कई इलाकों में बिना लड़े हार मान ली हो, लेकिन पंजशीर पर कब्जा करना तालिबान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। पंजशीर के लड़ाकों ने बड़ी संख्या में तालिबानियों को उड़ा दिया है। उनका कहना है कि इस हमले में तालिबान का काफी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान से पंजशीर के लिए 3000 तालिबानी गए थे और उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तालिबान को रेजिस्टेंस फोर्स दे रही है टक्कर, और अहमद मसूद की कमान वाली रेजिस्टेंस फोर्स तालिबान का कड़ा मुकाबला कर रही है। अहमद शाह मसूद ने एक बयान में कहा कि तालिबान को नहीं सौंपेंगे पंजशीर और हम तालिबान को देंगे टक्कर, जिससे पूरा तालिबान बौखला गया है और 3000 तालिबानियों को नुकसान हुआ बहुत ज्यादा पंजशीर के अंदर। अमेरिका और नेपाल आर्मी भी तालिबान को दे रही है मुंह तोड़ जवाब, और अब तालिबान हर देश की आर्मी से घिर चुका है और तालिबान अब बौखला गया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।